दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिफरेंट स्ट्रोक्स में। दोस्तों कोई भी टॉपिक अगर इम्पॉर्टेंट ना हो तो उसको सेपरेट चैप्टर के रूप में पढ़े जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। इसीलिए हमारे सब्जेक्ट्स में जो भी चैप्टर बने हैं उन्हें इग्नोर करना सही नहीं माना जाता, और कभी कभी किसी टॉपिक को आसान समझकर इग्नोर कर देने की प्रवृत्ति के कारण एग्ज़ाम्स में, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, हम एक या दो नंबर से पीछे छूट जाते हैं और मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाते। तो अपना फालतू वक्त व्हाट्सएप और फेसबुक पर देने के बजाय आज हम कम इम्पॉर्टेंट चैप्टर सिनोनिम्स पर वंस इन अ लाइफ टाइम समय देंगे। सिनोनिम का अर्थ होता है एक ही शब्द के लिए समान अर्थ वाले, सेम अर्थ वाला दूसरा शब्द, यानी समान अर्थ वाला शब्द समानार्थी शब्द। चूँकि एक शब्द के लिए और भी कई शब्द होते हैं, जिस तरह हिंदी में धरती को भूमि, पृथ्वी या धरा कहते हैं, उसी तरह अंग्रेजी में भी एक शब्द के लिए और भी समान अर्थ वाले कई शब्द होते हैं। जैसे अर्थ को वर्ल्ड, प्लैनेट या ग्लोब भी कहते हैं। एक शब्द के कई समानार्थी शब्द हो सकते हैं, लेकिन हम आज यहाँ एक शब्द का एक ही समानार्थी या सिनोनिम शब्द पढ़ेंगे जो सबसे नियरेस्ट मीनिंग वाला शब्द होगा, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को कवर कर सकें। लिस्ट लंबी होने वाली है, इसीलिए इस चैप्टर को हम सुविधा के लिए तीन पार्ट्स में करेंगे। तो शुरू करते हैं सिनोनिम चैप्टर का पार्ट वन। तो पहला है एबडक्ट। एबडक्ट का मतलब होता है अपहरण करना। तो मैं दूसरे शब्द का मीनिंग नहीं बताऊंगा, क्योंकि सिनोनिम हम पढ़ रहे हैं तो सिनोनिम में दूसरा शब्द का भी सेम मीनिंग होगा। यानी हमने कहा एबडक्ट, एबडक्ट मीन्स अपहरण करना, तो उसका सेम मीनिंग वाला दूसरा वर्ड होगा किडनैप। दूसरा शब्द है एभोर। एभोर का मतलब होता है नफरत करना, ABHOR, एभोर। एभोर नफरत करना। डिटेस्ट, DETEST, डिटेस्ट। डिटेस्ट का भी सेम मीनिंग होगा। अबव मतलब ऊपर, ओवर, ओवर का भी मतलब ऊपर ही होगा। एवरेज, एवरेज का मतलब होता है काट छाट करना, यानी कोई भी चीज़ को छटनी करना। शॉर्टन, SHORTEN, शॉर्टन मतलब भी सेम मीनिंग होगा, संक्षेपण करना, काटछाट करना। अब्रॉड, अब्रॉड मीन्स विदेश। अब्रॉड का मतलब होता है विदेश। तो अब्रॉड का अनदर वर्ड हो जाएगा ओवरसीज, OVERSEAS, ओवरसीज का भी मतलब विदेश। एब्रोगेट रद्द करना, कैंसल। एब्स्टेन अलग रहना, रिफ्रेन, उसी का सेम मीनिंग वाला शब्द हो गया। अकॉर्ड, अकॉर्ड मतलब सहमति, यानी किसी के साथ हमारा एग्रीमेंट होता है तो उसको बोलते हैं अकॉर्ड। तो अकॉर्ड का अनदर वर्ड हो गया एग्रीमेंट। एडमिट, एडमिट मतलब स्वीकारना, कॉन्फेस करना, उसको भी स्वीकारना ही बोलते हैं। लीरी, LEERY, लीरी मतलब आशंकित, कॉशियस, आशंकित। लेगेसी, LEGACY, कोई भी चीज़ हमें पूर्वजों से विरासत में मिलता है तो उसको बोलते हैं लेगेसी। पास्ट से कोई चीज़, अच्छी चीज़ मिलती है उसको बोलते हैं लेगेसी। तो बीक्वेस्ट, सेम मीनिंग वाला वर्ड हुआ, BEQUEST, यानी वसीयत या विरासत। लेजिबल, लेजिबल मतलब जिसको हम पढ़ सकें, सुपाठ्य, उसी को इंग्लिश में अनदर वर्ड हो गया रीडेबल। लाइसेंसियस, लाइसेंसियस मतलब होता है व्याभिचारी, चरित्रहीन, ल्यूड, LEWD, सेम मीनिंग हुआ। लिसन सुनना, हियर। लिथ लचीला, सपल। लिटिल छोटा, स्मॉल। लिविड उन्मादी, एनरेज्ड। लोथ यानी घृणा करना, अभोर, सेम मीनिंग, अभोर मतलब भी घृणा करना। एडवर्सरी या अपोनेंट, दोनों का अर्थ हुआ विरोधी। अफेबल या फ्रेंडली यानी मित्रवत। एग्रेवेट और अधिक खराब होना, वर्सेन। अग्री राजी, राजी कर लेना, एग्री राजी, कंसेंट। एयर या डिस्कस, एयर और डिस्कस, एयर मतलब यहाँ पर हवा नहीं होगा बल्कि एयर का मतलब हुआ
कोई भी चीज़ बात करना, डिस्कस करना, अकिन, अकिन मतलब संबद्ध कोई भी चीज़ से रिलेटेड, तो वो रिलेटेड हो गया। अलाइव, अलाइव मतलब अलाइव, अलाइव मतलब जीवंत, लाइवली यानी सेम मीनिंग जीवंत। अलोकेट या डिस्ट्रीब्यूट, अलाउ या परमिट यानी सहमति। लोफ्टी ऊंचा, उसे हाई भी कहते हैं, उसे हाई भी कहते हैं। लोगो चिन्ह, सिंबल, लोगो मतलब कोई भी चीज़ का चिन्ह, सेम चीज़ हुआ सिंबल। लुक या सी देखना। लोकेशियस बातूनी, टॉकेटिव। लॉस्ट गुम हो जाना, मिसप्लेस्ड हो गया, उसको भी सेम मीनिंग होगा, लॉस्ट का मिसप्लेस्ड। लविंग अनुरक्त, फॉन्ड, आई एम फॉन्ड ऑफ यू, मैं आपको पसंद करता हूँ, या आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, आई एम फॉन्ड ऑफ मूवी। लॉयल विश्वासी, ट्रू, लॉयल मतलब विश्वासी, ट्रू मतलब भी विश्वासी, जैसे किसी को लिखते ट्रूली योर्स, तो आपका विश्वासी। ल्यूक्रेटिव, ल्यूक्रेटिव का मतलब होता है फ़ायदा, फायदे वाला, लाभ वाला, प्रॉफिटेबल। ल्यूडिक्रस हास्यास्पद, एब्सर्ड सेम मीनिंग हुआ, हास्यास्पद। ऑल्सो टू यानी भी। एमेलियोरेट सुधार करना यानी इम्प्रूव करना। अमाउंट यानी मात्रा, अनदर वर्ड क्वांटिटी। आंसर रिस्पॉन्स, आंसर का मतलब उत्तर, रिस्पॉन्स का मतलब भी उत्तर। अपीज संतुष्ट, पैसिफाई। अरेन या इंडिक्ट दोषारोपण, किसी के ऊपर दोष मढ़ देना। आस्क पूछना, उसी को इंक्वायरी या रिक्वेस्ट भी बोल सकते हैं। असेंबली सभा, गैदरिंग, गैदरिंग का भी मतलब सभा। ल्यूमिनस प्रकाशमय, चमकीला, ब्राइट। ल्योर फुसलाना, एंटाइस, ल्योर और एंटाइस का सेम मीनिंग होगा फुसलाना। लस्चर या ग्लॉस, बोलते हैं ना लस्चरस कोई सामान है यानी चमकीला है या ग्लॉसी है। लग्जरियंट विलासपूर्ण, लश, LUSH, लश, सेम मीनिंग वाला शब्द हुआ। मैकैबर बीभत्स, ग्रूसम, किसी के बारे में बोलते हैं कोई कहीं पर मर्डर हुआ है तो बोलते हैं इट वॉज ग्रूसम मर्डर, बीभत्स, दिल दहला देने वाला। मैड पागल, इनसेन, सेम मीनिंग। मेल स्टॉर्म जल भवन, वर्लपूल, मेल स्टॉर्म वर्लपूल, सेम मीनिंग हुआ। वर्लपूल का भी मतलब जल भंवर होता है। मैग्नीट्यूड मात्रा, साइज। मलाइस दुराग्रह या स्प्राइट, या स्पाइट, सेम मीनिंग। एसेंट या अग्री मतलब सहमति। अटायर या ड्रेस मतलब ड्रेस। अवराइस या ग्रीड मतलब लोभ। बेबी या इन्फेंट मतलब अभी अभी जो पैदा हुआ हो ऐसा बच्चा, इन्फेंट। बैड या इविल यानी बुरा। बैजर या पेस्टर यानी व्यंग करना, किसी के ऊपर कमेंट मारना, टाउंट करना, बैजर या पेस्टर। बेग या इम्प्लोर, मांगना किसी से, इम्प्लोरिंग समवन या बेगिंग समवन, किसी से मांगना। बिगिन या कमेंस, शुरू करना। बिहेवियर या कंडक्ट, व्यवहार। बिलीफ या ओपिनियन यानी किसी के ऊपर यकीन करना, विश्वास करना। मार्जिन या एज, एकदम किनारा, मार्जिन या एज, EDGE। मीगर या स्कैंटी, या स्कैंटी बहुत थोड़ा। मीगर या स्कैंटी बहुत ही थोड़ा। मीन या क्रूएल बहुत ही क्रूर। मेसी या अनटाइडी मतलब बेतरतीब यानी सजा हुआ नहीं, अनटाइडी गंदा बिखरा हुआ। मिडिल या सेंटर बीच में, सेम मीनिंग वाला शब्द हुआ। मिसहैपन या डिफॉर्म्ड यानी बेढंगा। मोरल या एथिकल दोनों सेम मीनिंग हुआ, नैतिक। मॉर्सेल या पीस मतलब टुकड़ा। मंडेन या ऑर्डिनरी
दोनों का सेम मीनिंग हुआ साधारण, नेम और टाइटल सेम मीनिंग हुआ, बेनिवोलेंट या काइंड यानी दयालु, बेरेट या एस्कोल्ड दोनों का मतलब हुआ डांटना, बिग लार्ज बड़ा, ब्लेम्ड अक्यूज्ड आरोपी, ब्लैंक एम्प्टी यानी खाली, ब्लिस खुशी या हैप्पीनेस, बॉटम आधार या फुट, फुट हिल बोलते हैं पहाड़ के नीचे का आधार को फुट हिल, उसी तरह से बॉटम आधार नीचे वाला भाग, ब्रेव वीर या डेरिंग बोल्ड, ब्रॉन शक्ति स्ट्रेंथ सेम मीनिंग, ब्राइट या शाइनिंग चमकीला, नरेट या से या टेल सेम मीनिंग कहना, नियर या क्लोज नज़दीक, एग्जाम्पल के तौर पे माई रेसिडेंस इज क्लोजर टू द बैंक या नियर टू द बैंक, नेफेरियस बुरा, इविल बुरा, नेफेरियस और इविल का सेम मीनिंग हुआ, निगेट कैंसल यानी रद्द करना, नेग्लिजिबल या इनसिग्निफिकेंट निरर्थक, नेपोटिज्म या फेवरेटिज्म यानी भाई भतीजावाद यानी हमारे कोई अपने आदमी है तो उनको हमने प्रमोट कर दिया उसको नेपोटिज्म या फेवरेटिज्म बोलते हैं, नया न्यू अनयूज्ड या मॉडर्न, नॉइजी शोरगुलपूर्ण या राउडी सेम मीनिंग, नोटेड या वेल नोन सुप्रसिद्ध, ओबे या सबमिट यानी मान लेना कोई बात, ब्रॉड या वाइड चौड़ा, ब्रूक या टॉलरेट सहना, ब्यूकोलिक या रस्टिक यानी गंवार, बिल्ड या कंस्ट्रक्ट यानी बनाना, बिजी या एक्टिव यानी काम में लीन व्यस्त, बाय या परचेज खरीदना, कैलामिटी या डिजास्टर आपदा, कोई आफत प्राकृतिक आपदा आती है उसको बोलते हैं, या कोई संकट, क्लेवर या कनिंग चालाक, कैपिचुलेट या सरेंडर यानी आत्मसमर्पण सेम मीनिंग, करीन या स्वर्व मुरना, स्पेलिंग पर ध्यान देंगे, ऑब्स्टिनेट या अस्टबर्न जिद्दी, ओडिसी या जर्नी यात्रा, ऑफन या फ्रिक्वेंटली अक्सर, ओल्ड या एंशियंट यानी पुराना, ओमेन या साइन यानी संकेत, बोलते हैं ना बैड ओमेन यानी बुरा संकेत, अमंगलकारी ओमेन या साइन, ओमनीपोटेंट या ऑल पावरफुल सर्वशक्तिमान, ओमनीसाइंट या ऑल नोइंग सर्वज्ञानी, ऑप्रेस या परसेक्यूट यानी किसी को सताना या दमन कर देना, ऑप्यूलेंस या वेल्थ यानी धन, ओरल या वर्बल मौखिक, केयरफुल या कॉशियस सावधान, कॉशस बोलते हैं, केयरफुल या कॉशस यानी सावधान, टॉप या समिट सबसे ऊंचा, शीर्ष सर्वोच्च, कैस्टिगेट या क्रिटिसाइज निंदा करना, कैटास्ट्रॉफिक या डिजास्ट्रस विध्वंसकारी यानी कोई बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया हो तो बोलेंगे इट वॉज द कैटास्ट्रॉफिक इवेंट या डिजास्ट्रस इवेंट, कैच या कैप्चर पकड़ना, कॉकस या मीटिंग मिलना, कैवर्ट या फ्रोलिक यानी आमोद प्रमोद यानी भोग विलास, सीड छोड़ देना उसी का दूसरा वर्ड रेलिंक्विश, ओरेटर या स्पीकर यानी वक्ता, आउटसेट या बिगनिंग शुरुआत, आउटसाइड या एक्सटेरियर बाहरी, ओवेशन अप्लाउज प्रोत्साहित करना, स्टैंडिंग ओवेशन खड़ा होके ताली बजाकर प्रोत्साहित करना या गिव अ बिग राउंड ऑफ
अपलाउज, तो ओवेशन और अपलाउज आप समझ गए होंगे। पैसिफाई या अपीज, संतुष्ट करना। पैल्ट्री या स्कार्स, कम मात्रा में। पैंडेमिक या वाइड स्प्रेड, यानी बहुत दूर तक फैला हुआ। पैरानॉर्मल या सुपरनेचुरल, यानी इस धरती पर जो संभव नहीं हो पैरानॉर्मल है। यह पराभौतिक है, यानी यह दैवीय है। सेलेस्टियल या हेवेनली, मतलब आकाशीय। सेंटर या मिडिल, यानी केंद्र। चैंपियन या विनर, विजेता। चेंज या अल्टर, यानी कोई चीज़ में बदलाव कर दें उसको बोलते हैं। चीट या डिसीव, धोखा देना। चाइड या स्कॉल्ड करना, डांटना। चूज, चुनना या सेलेक्ट करना। छबी या प्लम्प, गोल मटोल बोलते हैं। छबी चिक्स यानी गोल मटोल, जिसका गाल हो उसी बोलते हैं प्लम्प। सरकमस्पेक्ट या सावधान, कॉशस उसी को बोलते हैं। क्लीमेंसी या फॉरगिवनेस, किसी को माफ़ी दे देना। पार्सल या पैकेज, सामान को। पार्ट या पोर्शन, हिस्सा या किसी चीज़ का कोई भाग हो उसको बोलते हैं। पॉसिटी या स्कार्सिटी, यानी कमी। पेडल या सेल, बेचना। पेन या राइट, कलम। परहैप्स या मे बी, शायद। पेरिलस या डेंजरस, खतरनाक। पेरिश, ख़त्म। या डाई, ख़त्म हो जाना, मर जाना। परजर्व या परसिस्ट, डटे रहना, टिक कर रहना। बोलेंगे परजेवरेंस आप में है कि नहीं, कोई चीज़ को सहने की ताकत है कि नहीं, डटे रहने की ताकत है कि नहीं, उसी के लिए दूसरा वर्ड है परसिस्ट, जिससे हम बोलते हैं परसिस्टेंस उसमें काफ़ी अच्छा है। क्लोथ्स या ड्रेस। क्लाउट या इन्फ्लुएंस, यानी प्रभाव। कोग्यूलेट या थिकन, कोई चीज़ गाढ़ा करना, कोग्यूलेट करना या थिक कर देना, थिकन कर देना। कॉडल, सहेजना या पैम्पर करना। कॉर्शन या फोर्स, दोनों का अर्थ होता है बल। कोल्यूजन या कॉन्स्पिरेसी, यानी साजिश। कमेंड या प्रेज, प्रशंसा करना। कमोडिटी या प्रोडक्ट, सामान। कंपलसरी या ऑब्लिगेटरी, यानी मानना ही मानना है आपको, अनिवार्य है। कॉन्साइज या ब्रीफ, संक्षेप में, छोटा करके कोई चीज़, ब्रीफ या कॉन्साइज। पर्टिनेंट, प्रासंगिक या रिलिवेंट, सेम मीनिंग। पिक या चूज, यानी चुनना। पायस या डिवाउट, यानी शुद्ध, पवित्र। प्लाकेट या अपीज, यानी शांत कर देना, खुश कर देना। प्लेंटीफुल, पर्याप्त, सेम मीनिंग हुआ प्लेंटीफुल या अबंडेंट का। पोलाइट या कर्टियस, विनम्र। पुअर या डेस्टिट्यूट, यानी गरीब, वंचित वर्ग। पोर्ट या हार्बर, बंदरगाह, समुन्दर के किनारे जहाँ जहाज लगते हों। पोर्शन या पीस, पोर्शन या पीस दोनों का मतलब हिस्सा। प्रेज या कॉम्प्लीमेंट, यानी किसी को, किसी की प्रशंसा करना। कॉन्कर, अग्री, राजी, किसी बात को लेकर राजी हो गए तो बोलेंगे अग्री या कॉन्कर। कॉन्फर या बेस्टाव, प्रदान करना, किसी को कोई चीज़ समर्पित करना, देना। कॉन्वर्सेंट या फैमिलियर, मतलब जाना पहचाना। कन्वर्स या अपोजिट, यानी विपरीत। कॉपी या इमिटेट, यानी किसी की कॉपी करना, नकल करना या इमिटेट करना, सेम मीनिंग। कॉर्डियल, फ्रेंडली, यानी दोस्ताना। करेक्ट या एक्यूरेट, यानी बिल्कुल सही। कॉर्टिसन या प्रोस्टिट्यूट, यानी वेश्या। कवर्ट या सीक्रेट, यानी गुप्त। क्रेव या डिज़ायर, चाहत। प्रैंक या जोक, यानी मजाक, मस्ती। प्रिटी या ब्यूटीफुल या अट्रैक्टिव, आकर्षक। प्रोटेक्ट या गार्ड, यानी रक्षा करना। खींचना, पुल या ड्रैग, सेम मीनिंग।
परलोइन या स्टील चुरा लेना, पुश या थ्रस्ट धकेलना, प्यूट्रीफाई या डिकेयर सड़ जाना, क्वैक या चार्ल्टन, ओझा डायन क्वैक, क्वाम्स या मिसगिविंग्स यानी गलत सूचना देना, कुए या वार्फ यानी घाट, कि कोई भी चीज़ का जब नदी के किनारे घाट होता है उसको बोलते हैं, कलवर्ट या ड्रेन यानी नाली जिससे होकर गंदे पानी को हम निकालते हैं, कनिंग या स्लाई यानी चालाक, क्योर या रिमेडी यानी कोई चीज़ का उपचार कर देना, इलाज कर देना, करटेल या शॉर्टन यानी छोटा कर देना, डैम्प या मोइस्ट, दोनों का सेम मीनिंग हुआ नमी हो जाना कहीं पर, तो कहेंगे डैम्प है या मोइस्ट है ये चीज़, डेंजरस या रिस्की खतरनाक, डेडली या फैटल यानी जानलेवा, डियर या एक्सपेंसिव यानी महंगा, डर्थ या स्कार्सिटी यानी कोई चीज़ का कमी हो जाना, या वेकन कमज़ोर कर देना, डिसीव या ट्रिक यानी किसी के साथ ट्रिक खेल देना, धोखा दे देना, क्वीन या एम्प्रेस यानी रानी महारानी को बोलते हैं, क्यू कतार या लाइन सेम मीनिंग वाला शब्द हुआ, क्विक या रैपिड यानी जल्द, क्वाइट या पीसफुल यानी शांत, क्विल या फेदर यानी पंख, क्विप या जोक यानी चुटकी लेना, रेयर या स्कार्स यानी दुर्लभ, रेयरली या शेल्डम शायद ही, रैश या हैस्टी यानी जल्दबाजी, रीड या परूज पढ़ना, रेडी तैयार उसी को अलर्ट भी बोलते हैं, डेसिमेट नष्ट करना, डिस्ट्रॉय, डिसाइफर डिकोड, डिसाइफर या डिकोड का मतलब कोई चीज़ का मीनिंग निकाल लेना, किसी को डिकोड कर लेना, जिसको लोग नहीं सॉल्व कर पाए थे वो कर देना, डिक्रीज कम रिड्यूस सेम मीनिंग, डिड्यूस या कंक्लूड यानी निष्कर्ष निकालना, डेलिटेरियस या हार्मफुल यानी हानिकारक, डिल्यूड या डिसीव धोखा देना, डिमीनर या बिहेवियर व्यवहार आचरण, मरण यानी डिमाइज या डेथ, तितर बितर होना डीमोबिलाइज या डिसबैंड कर देना, तितर बितर कर देना, डीमोरलाइज हतोत्साह या डिसहार्टन सेम मीनिंग हुआ, रियल या जेन्यून यानी वास्तविक, रीप या हार्वेस्ट यानी फसल को काटना फसल, रिब्यूक या रेप्रीमांड फटकार लगाना, रिसेप्टेकल या कंटेनर कोई चीज़ का पात्र या मर्तबान को बोलते हैं, सामान रखने के लिए बर्तन, रेकलेस या रैश यानी बिल्कुल ही रेकलेस तरीके से, रैश ड्राइविंग यानी असावधानी से कोई काम करना, रेकलेस, रिकलेक्ट रिमेंबर याद करना, रेक्टिफाई या करेक्ट यानी किसी चीज़ को सही कर देना, रिकर या रिपीट यानी दोहराना, रेड या रड्डी सेम मीनिंग लाल, रीक या स्मेल यानी गंध। तो दोस्तों मुझे लगता है हमने पार्ट वन को कंप्लीट कर लिया है, नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट टू के बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, तो प्लीज़ लाइक इट, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं पार्ट टू ऑफ द चैप्टर सिनोनिम में।